मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूं फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, भाजपा और अन्य प्रत्याशी अपने अपने जोर आज मैं इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जनता जो है अभी तीसरी बार जब लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पीपी चौधरी सामने आए हैं तो जनता सवाल कर रही है। जनता पूछ रही है कि दो बार के कार्यकाल में आपने कितना विकास कार्य करवाया। कहीं ना कहीं भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, लेकिन कहीं मजबूरी भी है। आक्रोश गुस्सा इसलिए है कि दो बार कार्यकाल के दौरान 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन मारवाड़ जंक्शन में विकास कितना करवाया यह जनता पूछ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन जो क्षेत्र है प्रॉपर, हम पूरे विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र, उपखंड क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पीपी चौधरी विकास कार्यों में तथाकथित रूप से फिसड्डी शामिल हुए हैं। इसलिए जनता का नाराज होना, आक्रोशित होना जाहिर है। लेकिन बात यह है, मजबूरी यह है जनता की कि मोदी के नाम से वोट देना है। लोगों को मानना है कि हमें अब पीपी चौधरी से कोई बैर नहीं, कारण कि मोदी चेहरा है। एक नारा चला था उस समय जब पिछले बार विधानसभा चुनाव थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो अभी यहाँ पर ही एक ऐसा ही है कि पीपी चौधरी तेरी खैर नहीं और मोदी से कोई बैर नहीं। लेकिन यहाँ उलट हो सकता है, क्योंकि मोदी चेहरा है तो कहीं ना कहीं जनता जो है पीपी चौधरी को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन वही बात है कि क्षेत्र में जनता यही पूछ रही है कि पीपी साहब यह बताइए कि 10 वर्षों में आपने एक भी मारवाड़ जंक्शन में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपने किया है, कोई एक ऐसा कार्य बता दे जो जनता क्षेत्र की 10 वर्षों में जो आपने किया है उसको याद रख सके। हम आपको ये बता दें कि पीपी चौधरी ने अउवा को भी गोद ले रखा था और भूसी को भी गोद ले रखा था, लेकिन भूसी और अउवा की जनता भी यही सवाल कर रही है कि पीपी चौधरी साहब आपने 10 वर्षों में क्या किया, कृपया जनता को बताएं। अउवा की बात करें तो कुछ साल पहले एक सरगा समाज का एक समारोह आयोजित हुआ था, उसमें भरे मंच पर पीपी चौधरी जब उपस्थित थे तो भरे मंच से वहां पर एक व्यक्ति ने सवाल ही कर दिया कि पीपी साहब आप पहली बार अउवा में आए हैं और आपने अउवा को गोद लिया है, आपने कोई विकास कार्य नहीं करवाया। यह बात पीपी चौधरी की मौजूदगी में अउवा में कही गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जो अउवा से जो में जो समारोह हुआ था सरगरा समाज का, वह उसमें जो जिस व्यक्ति ने कहा था क्या कहा था वह भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अब 26 तारीख को मतदान होना है और जो होना है वह होना है। जनता किस ओर जाएगी किस ओर नहीं जाएगी यह तो भविष्य के गर्भ में है। तो हम सबसे पहले आपको वह अउवा का छोटा सा जो वीडियो भी वायरल हो रहा है वह सुनाने जा रहे हैं, आइए। मंच पे भिड़े हुए जितने भी पीपी साहब, पूर्व एमएलए साहब, बीजेपी मोर्चे के अध्यक्ष आरएस महोदय और भी सब महात्मा, सबको मेरा प्रणाम। आज सरगा समाज विकास समिति अगुआ पट्टा सभी यहाँ पधारे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। और मुझे तो जितनी बार यहाँ एकत्रित हुए उतनी बार भी सरगा समाज की मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी है कि मुझे याद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी खुशी तो आज मुझे इस बात की है कि आज पहली बार पीपी साहब अउवा कैसे पधारे हैं, अउवा खोले लिया हुआ है और पहली बार दर्शन किए पीपी साहब के, ये बहुत खुशी और दुख की बात है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं,
हुआ पड़ेंगे तो वो है जटे जब शांति कोष है आज दिन तक किसी बच्चा का कोई विकास नहीं ठीक है मामा भाई निकाल दो ठीक है या और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद।